कान का चुभ गया। जल्दी जाओ इसको उठाओ, क्या मुंह देख रहे हो इधर यार। दोस्तों हमारा ना पिजन का बेबी जो है ना वो अपने भाई से या अपनी बहन से जुदा हो गया ना, नीचे ना जमीन पे गिर गया। वो देखें, वो आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें। अरे इसको इधर लाओ। यार माशाल्लाह दोस्तों देखें कितना प्यारा है, व्हाइट और गोल्डन है। मुझे तो लगता है व्हाइट और गोल्डन कह रहा हूँ, मुझे तो लगता है ये ना ब्लैक और गोल्डन है। दोस्तों हमारे शाका को ना उस दिन, ओ यार ये तो हमारी वो है ना कंधारी मादा, ये तो माशाल्लाह बिल्कुल ही मुर्गा लगती है। शाका तो हमारा ये खड़ा हुआ, इस शाका को चेक किया था, शाका को वाकई में चिचड़ लगे हुए थे। फात भाई की बात बिल्कुल ठीक थी। फिर हमने इसको DTD पाउडर डाल दिया और कुछ सिरप थे वो पिला दिए। अब माशाल्लाह से मैंने इसको चेक किया, ये ना बिल्कुल फिट है। कैसे है भाई? हाँ आज तो तुम वैसे प्यारे लग रहे हो यार। हम अच्छा अच्छा ओवर ना हो यार। अब यार दोस्तों ये ना सुबह से ना मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं ना दाढ़ी बनवाने गया था, वहाँ पर मशीन वो फेरते फेरते ना यहाँ से पूरा बाल ही उसने ना मेरा खींच दिया। फिर मुझे ना ये करवाना पड़ा यार, क्या करूँ इतने चार छोड़। अब हंसो ना दादा। ओ तो चलो मेरी तो आ जाएगी, फात भाई की तो गंज करनी है 50K पे। भाई क्या हो गया? कर दो। अच्छा अच्छा दिमाग ना खराब करो। बाकी दोस्तों हमारी ये देखिए जो डक क्या ना अंडों पे बैठी हुई है, लेकिन ये देखिए किस तरह बैठी हुई है, तीन अंडों पे तुड़ी रखकर। मैं आपको 100 क्या 1000 क्या जहां तक गिनती खत्म होती है ना उतने परसेंट कंफर्म बता सकता हूँ कि इस बार भी ये हमारे अंडे जाया करेगी। आप देख लेना इसमें से कोई बच्चा नहीं निकलेगा, एंड में इसने अंडे तोड़ के खा लेने हैं। और बाकी दोस्तों माशाल्लाह से हमारी ये जो डव है ना ये भी अपने अंडे शंडे पे बैठी हुई है। ये सबसे बेस्ट है दोस्तों, ये अपने अंडों में से बच्चे भी सही निकालती है, उनको पालती भी ठीक है। और यार वो हमारा छोटा गैंग टिड्डू ये बैठा हुआ दोस्तों माशाल्लाह, देखें टिड्डू हमारा बैठा हुआ है और बिल्कुल ना माशाल्लाह फिट जा रहा है, सेहतमंद जा रहा है, बड़ा हो गया है, अपनी डाइट शाइट खुद खाता है। अब इसकी अम्मा जी इसको फीड नहीं करवाती। तुम क्या देख रहे हो? और नहीं यार बच्चे बच्चे नहीं आए, बल्कि दोस्तों वो जो वो वाले बच्चे हैं ना वो भी मैंने देखा है बड़े ना कमजोर जा रहे हैं। वो वजह ये है कि यार वो जो हमारी जो रैबिट्स बाहर आ जाते हैं ना पत्नी वो उसको फीड करवा रही है नहीं करवा रही, लेकिन कल जब मैंने देखा था तब तो करवा रही थी। हो सकता है उनकी ग्रोथ ही क्यों जा रही हो, हो जाएंगे। तुम भी तो छोटे से ही रह गए हो यार। दोस्तों ये भी छोटा से रह गए है, पूरा का पूरा आदमी है। और बाकी दोस्तों हमारे ये जो बजीज हैं ना ये कोई बच्चे बच्चे नहीं निकलवाने वाले, इन्होंने अपने अंडे गिराने हैं। इन्होंने ठान लिया कि इनको कोई ना खुशखबरी हमने नहीं देनी। ये सारे घुसे हुए तो होते हैं अपने घर में, लेकिन बच्चे सच्चे कोई कुछ नहीं निकाल रहा है। ये देखें ये भी बैठा हुआ है अपने, इसकी यहाँ पर मादा जो होगी अंदर घुसी हुई होगी। इधर ये देखें ये बैठे हुए, जोड़े सबके लगे हुए हैं लेकिन इन्होंने बच्चे सच्चे कुछ नहीं देने। तुम किसी चक्रों में हो? तुम किसी चक्रों में, तुम्हें बता रहा हूँ यार। अच्छा बात सुनो ना, मैं कह रहा हूँ यार दोस्तों मेरा दिल चाह रहा है आज ना हमारी डोली और हमारी वाइटी ना धूप की वजह से ना अपने ना केज के अंदर ही रहती है दिन में, शाम में हम इनको बाहर कर देते हैं। यार मैं कह रहा हूँ आज क्यों ना डोली और वाइटी को बाहर लेके चलें, कॉलोनी में सैर करवाते हैं। यार दोस्तों चलते हैं और वाइटी और डोली को ना बाहर कॉलोनी में सैर करवाते हैं। वैसे भी बड़े दिन हो गए हैं इन्होंने ना खुली जगह पे वॉक नहीं की, क्योंकि हमारा जो सेटअप है ना ये सारी पक्की जगह, यहाँ पर ही कितना फेर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ इनको ना बाहर लेके चलते हैं ताकि ये वहाँ पर खाएं पिएंगी, जरा पत्ते शत्ते खाएंगी, जान शान बनाएंगी। चलो भाई चलो लेके चलते हैं। दोस्तों नीचे जाके ना आपसे मिलते हैं, क्योंकि ना इनको आदत नहीं है यहाँ से नीचे नहीं उतर सकती, हमें ना इनको गोद पे उठाना पड़ेगा। चलो आराम चले और छोड़ दो चल। देखें दोस्तों ये वही वाले पपी हैं जिनको ना हमने रेस्क्यू किया हुआ है, और ये इनकी अम्मा है। इसकी अम्मा ना हमसे बड़ा प्यार करती है और हम कहते ना खास तौर पे यहाँ तक चढ़कर आ जाती है उसको चाटने के लिए। ये देखें तीन बच्चे फिर रहे हैं और दो बच्चे पत्नी का हैं। बहरहाल यार दोस्तों ये यहाँ पर हैं तो सही, लेकिन ना इन्होंने मेरा सारा गार्डन खराब कर दिया। ये देखें यहाँ पर ना सारी मिट्टी खोद खोद के सारे पौधे निकाल के परे कर दिए और अपनी जगह बना ली है। यार दोस्तों ये देखें ये ना अब हम पे बोलते हैं।
और दोस्तों ये देखें, डॉली ने आते साथ ही ना सारे पौधे को खाना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी इसने अपनी डाइट खाई है, लेकिन यार इनको ना चरना पसंद होता है, इस तरह बाहर जाके खाना ढूंढना। यार अरम क्या कर रहे हो यार, उधर इतने सारे पौधे पड़े हैं, वो खिलवाओ। अपने 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 गार्डन को खराब करवा रहे हो। किसे ओए काट लेगा ना करो ओए। बल्कि दोस्तों हाँ, ये तो वही है ना जो अभी मैंने आपको बताया, ये अरम से बहुत ज्यादा प्यार करती है। यार चलो अरम इनको लेके चलो। अरम मैंने तुम्हें कह रहा हूँ जल्दी से हटाओ इन्हें। यार दोस्तों इनको ना फिराते हैं उधर ना, बहुत सारे ना दूसरे पौधे लगे हुए हैं जो किसी के इनके गार्डन के नहीं है, कॉलोनी में यूं ही सड़कों पे लगे हुए हैं, तो ना वो खिलाओ। बल्कि इधर छोड़ो ना, ये घास लगी हुई है यहाँ पर, इसको खिलाओ। चलो 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 छोड़ दो ये खुद ही खाएंगे, छोड़ दो। यार दोस्तों ये ना इनकी आदत होती है खुद ही, यानी कि अपनी मर्जी से फिरती हैं, खाती हैं और मजे करती हैं। चलो छोड़ दो जल्दी से। यार दोस्तों ये देखें, पत्नी ये कौन सा इतना बड़ा पौधा है, ये खाली प्लाट में लगा पड़ा है, और हमारी जो डॉली और वाइटी है ना, इसको इतने मजे से खा रही है कि रोजे में ना मुझे भी इनको देख के भूख लग रही है, बहुत ही मजे से खा रही है यार। और ध्यान से, और डॉली कहाँ जा रही है? यार डॉली तो नीचे उतर गई है, हमें भूल गई है। अरे जाने दो, खाने दो इन सब की खाने की चीज़ है, पर ध्यान करना कोई ना शॉपर वगैरह ना खा ले। यार दोस्तों बहुत ही मजे से खा रही है, मैं कह रहा हूँ इनको खाने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते, फिर आपसे ना मिलते हैं। ये क्या ले आए हो? बकरी खा डॉली। ये है यार अपनी मर्जी से ना दो, पत्नी कोई जहरीली चीज ना हो। तुम खा लो, तुम खा लो, जान छुटेगी दोस्तों। यार वो देखें दोस्तों, डॉली और वाइटी ना अब आगे चली गई हैं, वहां पर ना जो पुरानी मुरझाई हुई घास होती है ना वो खा रही हैं, क्योंकि इनको ना वो भी बहुत ज्यादा पसंद होती है, जैसे हमारी डॉली खाती थी ना, वो जो तिल्ला कहते हैं, पत्नी तल्ला कहते हैं वो, इसी तरह इनको भी ये बहुत पसंद है। और इन्होंने ना हमारा जीना हराम कर दिया है, हमने इनको अडॉप्ट तो कर लिया था, लेकिन अब ये शोर इतना मचाते हैं, इतना मचाते हैं कि पूरी सोसाइटी वाले ना इनसे तंग आ गए हैं। यार वो किया महसूस किया कोई चीज? ओ हाँ, ये कौन था जो गया? अबे जा आए, मैं उमर भाई की बात कर रहा हूँ यार, दाढ़ी कटवा ली। क्या हो गया? यार मैं क्या करूं यार, मैं वो कटिंग शटिंग करवाने गया था, बेड बनवाने गया था, मशीन फेरते फेरते ना उसने मेरे बाल ही नोच लिए। यार यार छोड़ो, रमजान था, मैंने उसको कुछ नहीं कहा, बस फिर ना मुझे मजबूरन ना क्लीन शेव करवानी पड़ी। मुझे पता है लग तो मैं बहुत हसीन रहूं, लेकिन कोई बात नहीं, आई जाएगी दाढ़ी, है ना? बस क्या कर सकते हैं। ओह ये कौन है? ओ वाओ, कांटा चुभ गया। तुम्हारे साथ इतनी ओवर एक्टिंग करोगे ना तो यही होगा। यार दोस्तों देखें, वहीं फिरी जा रही है अरम, बस मैं तो कह रहा हूँ इनको ना आज यहीं फिरने देते हैं, शाम तक इनका पेट भी भर जाएगा, आज की ना डाइट बच जाएगी, वो सुबह काम आ जाएगी। पे खाना खिला देना, कौन सा इसने रोजा रखा था? ये खाता है, ये खाता है, ये खाता रहता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल फात के परिंदों को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। चलो ओवर एक्टिंग ना करो, चलो अब उन्हें ना फिरते रहने देना, बस यहाँ ना देखते रहना, खुदा ना खासा वैसे कोई चोरी शोरी तो नहीं होती, बस कोई ले ना जाए इसको, ठीक है? आराम, चलो बाय।